तस्दीक की कि 31 जनवरी तक के पाठक ने एप्लीकेशन दिया है। जो खबर आ रही है सामान्य प्रशासन विभाग ने या फिर मुख्य सचिव ने अब तक छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी। इस बीच खबर ये भी है कि केके पाठक को अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने बुला लिया है, यानी अब नीतीश कुमार आखिरी बार केके पाठक से बातचीत करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लौट जाइए विभाग, क्योंकि विभाग में लगातार चर्चा में थे केके पाठक और अच्छे काम के लिए ये कहीं ना कहीं अब बिहार की आम जनता के दिलों पर भी राज करने लगे थे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अब आखिरी बार प्रयास करेंगे, लेकिन जब केके पाठक मुख्यमंत्री के सामने भी इनकार कर देंगे तो सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम भी कर लिया है। और जो दो नाम है, हमने पहले ही कहा है कि अरविंद चौधरी जो वित्त विभाग में प्रधान सचिव हैं और इसके साथ साथ उद्योग विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संदीप पौंड्रिक, ये दो नाम जो है सरकार के स्तर से अब फिलहाल वैकल्पिक रूप से फैसला ले लिया गया है कि इन दो नाम में से जो है किसी एक को एसीएस, यानी रजनीश ये मानकर चले कि जो शिक्षा विभाग है इस विभाग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है, नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा अगर मुख्यमंत्री की बात पर एसीएस के पाठक फिर से विभाग में वापस नहीं पहुंचते उसके साथ ही। बिल्कुल, देखिए दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इससे पहले भी किसी प्रकार की बात होती थी, खुद केके पाठक से बातचीत करते थे और ये अंतिम रूप से केके पाठक को फैसला लेना है कि विभाग में रहना है या फिर उन्हें छुट्टी पर जाना है, क्योंकि 31 जनवरी तक छुट्टी पर लंबी अवधि हो जाती है। ऐसे में सीएम जो है आखिरी बार पूछेंगे, अगर केके पाठक फाइनली ना कर देते हैं तो निश्चित रूप से इन दो नामों में एक नाम पर सहमति बनेगी और आज ही शाम तक उम्मीद रखिए कि सामान्य प्रशासन की तरफ से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। रजनीश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसने एसीएस के पाठक जैसे अधिकारी को नाखुश कर दिया, नाराज कर दिया और अब विभाग मिलकर भी उन्हें मना नहीं पा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से केके पाठक लगातार एक्शन रिएक्शन सस्पेंशन इसको लेकर जाने जाते थे, उसके बाद जो आजादी से ये काम करना चाहते थे उस आजादी पर कहीं ना कहीं विराम लगने लगा था। चाहे एमएलसी की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे, शिक्षक नेता की बात करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करेंगे, उनकी तरफ से लगातार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार हो रहा था और केके पाठक के कार्य पर एक्शन पर जो है लगातार सवाल उठ रहा था। ऐसे में केके पाठक अब नाराज है और सिस्टम से नाराज है, ये साफ तौर से हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रभार का परित्याग किया था स्वतः, उसके बाद ही न्यूज 18 ने कहा था कि अब केके पाठक का मोह भंग हो गया शिक्षा विभाग से और जिसके बाद हमारी खबर पर मोहर लगी और उन्होंने छुट्टी की अवधि बढ़ा दी, ना कि 17 या 18 तारीख से। वो रजनीश, सवाल ये भी कि जो आदेश इनकी तरफ से जारी हो रहे थे और अगर उस आदेश को वापस किया जा रहा था